धेरै धेरै धन्यवाद दिदै म आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदछु र सर्वप्रथम त म आज मेरो जुन म डिएक्समा कसरी आएर काम कसरी भइरहेछ त्यसको बारेमा कुरा गर्दछु। नेपाली भाषामा मेरो पहिलो चोटि हो, हिन्दी भाषामा त म धेरै थुप्रै चोटि गरिसकेछु र फर्स्ट चोटि हो कि म नेपालीमा कुरा गर्दछु आज। र हाम्रो जुन जोइनिङ हुन्छ त पहिला हाम्रो नेपालमा कहीँ पनि त्यस्तो सुविधाहरू थिएन कि नेपालबाट जोइनिङ होस्। म जोइनिङ हुँदा हाम्रो इन्डियाबाट हाम्रो जुन यो जोइनिङ कार्ड छ इन्डियाबाट नै बनेको हो मेरो। र सुरुमा म प्रोग्राम कहाँ पाएँ त हाम्रो अपलाइनमा पढ्नुहुन्छ ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेन्टर हाम्रो हुनुहुन्छ जहाँबाट हामी धेरै कुराहरू सिकिन्छ। हाम्रो अशोक सर त उहाँको पहिला मेडिकल थियो भैरवमा र उहाँ आफ्नो मेडिकलमा प्रोग्राम चलाइराख्नु भएको थियो र उहाँ मैले थाहा पाएँ। म आफ्नो साथीको माध्यमबाट थाहा पाएँ र त्यहाँ म प्रोग्राममा गएँ त चियापत्तीको बारेमा कुरा हुँदै थियो तर एउटा प्रोग्राम लिएर मलाई समझमा आएन। धेरैजना मान्छेहरूलाई पनि हामी लिएर जान्छौँ प्रोग्राममा, ठुलो या सानो प्रोग्राममा लिएर जान्छौँ, त्यहाँ कुरा हुन्छ जब तब भन्छन् एकैचोटिमा सबै कुरा बुझे भनेर, तर त्यो झुठो हो। सबै कुरा बुझ्न सक्दैनन् र विश्वास पनि लाग्दैन। सुरुमा मलाई पनि विश्वास लागेको थिएन कुनै चिजको र सामान पनि धेरै महँगो लागिरहेको थियो किनकि पहिला सुरुमा सुन्दा अरू बजारमा नाना थरीका हाम्रो प्रोडक्टहरू हुन्छ, नाना थरीका धेरै चिजहरू हुन्छ, साबुन पेस्ट र चिया अरू धेरै सामानहरू हुन्छ। तर त्यसमा के हुन्छ कि एकदमै सस्तो पनि हुन्छ, क्वालिटीको अलि महँगो पनि हुन्छ, मतलब थुप्रै किसिमको जुन रेट हुन्छ त्यो लागिरहेको हुन्छ। त हाम्रो जुन सस्तो जुन चिया साबुन र पेस्टहरू जुन सस्तोमा पाइन्छ बजारमा त्यही युज गर्दा गर्दै हामीले जुन डिएक्सनको यो ब्रान्ड कम्पनीको जुन हाम्रो ब्रान्ड प्रोडक्ट हो त्यो धेरै महँगो नै लाग्छ। त मलाई पनि धेरै महँगो लागिरहेको थियो र विश्वास त्यति थिएन। यस्तै लुटेराहरू हो भनेर भन्छन्, बकवास हो भन्छन् मान्छेहरू हुन्छ। तपाईँले बिच बिचमा त्यसैलाई हिन्दीमा पनि ट्रान्सलेट गरिदिनु होला है। यस ओके सर। र यस्तो बकवास हो भनेर सोच्छन् त थुप्रैजना मान्छेहरूलाई पनि जुन एकचोटि प्रोग्राममा जब हामी लैजान्छौँ तब उहाँलाई घरिघरि हामी भेट गर्दै जाने हो, फलोअप गर्दै जाने हो र कम से कम उहाँलाई चार पाँच प्रोग्राम लगातार हामी यदि दिलाउँछौँ उहाँलाई अनि आफू पनि जति पनि जानकारी छ आफूसित पनि जानकारी जब दिने हो भने उनीहरू पोजिटिभ हुन्छन् र ऊ साथमा जुड्छन्। र म देखेको पनि छु जो एउटा प्रोग्राम लिएर भन्छ म सबै कुरा बुझिसकेछु भनेर भन्छ त्यो घरमै बस्छ, त्यो निस्किँदैन पनि निस्किँदैन, एक अर्कासित कुरा पनि गर्दैन, पोजिटिभ हुँदैन। त हम यही बताना चाहते हैं कि जब हम मेडिकल में अशोक सर का हमारा अशोक सर का जो मेडिकल था भैरवा में तो वो मेडिकल में जो हम प्रोग्राम लिए थे पहली बार तो हमको भी बहुत बकवास लगा था कि ये सब झूठ है, ये सब लूटने का काम है ऐसा ही कुछ, और हमें लगता था कि ये सब इतना महंगा लग रहा था तो मुझे उतना फायदे जो बता रहे थे बोल रहे थे वो फायदा उतना विश्वास भी नहीं लग रहा था कि इतना फायदा होगा, ऐसा ही कुछ होता है। तो जो नए लोग होते हैं जो हम एक प्रोग्राम में लेकर जाते हैं कुछ बताते हैं तो वो उसको भी समझ में नहीं आता है कि ये पॉजिटिव नहीं होता है, वो भी समझता है कि बकवास है, ये फालतू का चीज है, ये लूटने का काम है, ऐसा वैसा कुछ बोलता है, कुछ फायदा नहीं होता है, बहुत महंगा भी लगता है क्योंकि पहली बार जो लोग सुनते हैं तो उसको बहुत महंगा लगता है। तो ऐसे भी हमको भी लगा था। तो जो नए लोगों को हम लेकर जाते हैं
मुकेश कुमारी जी के नेट इशू हो गया है। अशोक सर गुड मॉर्निंग, कुछ हिंदी में बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस, वो एकदम अच्छे से पूरा प्रोग्राम दे रही हैं, बहुत अच्छे से बता रही हैं। और एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएंगे हम सभी पार्टिसिपेंट। किस्मारी मैडम के अंदर वो जो टीम हम लोगों के सामने खड़ा करता है इनके ऊपर, क्योंकि ये अपने छोटा सा कोई संस्था था उसमें काम करते हुए पार्ट टाइम डीएक्शन को डेवलप कर रही थी और मेरे मेडिकल से सामान लेके आती थी और लेके जाती थी, फटाफट सेल करके लाती थी। ये ज्यादा बोलती नहीं थी पहले, मगर इनका पीवी बोलता था दोस्त। ये ज्यादा नहीं बोलती थी मगर इनका पीवी बोलता था, क्योंकि आती थी सामान लेके जाती थी, खत्म करके फिर चली जाती थी, फिर सामान लेके जाती थी। मैं देखता रह जाता था, मैं बोलता था कि ये बोलती नहीं है उतना ज्यादा, मगर इतना ज्यादा सेल कैसे कर लेती हैं, इतना ज्यादा पीवी कैसे हो जाता है। तो ये संस्था में जब काम करती थी तो इनका काम था गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करना, महिलाओं को सचेत करना, है ना, उनको कुछ कुछ ज्ञान देना। तो उन्हीं ज्ञान के साथ साथ में ये बोलती थी डीएक्शन का ऐसा ऐसा चायपत्ती ये फायदा करता है, चार पांच फायदे बता देती थी और स्पाइना के फायदे बता देती थी, ऐसा ऐसा फायदे यहाँ पे हुआ है। तो लोग तो तकलीफ में भी थे, तो लोग फटाफट भी हॉस्पिटल में जाना या फिर डॉक्टर होता ही, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल करें जो मैडम आई है प्रोग्राम बताने के लिए। तो इस तरीके से लोग ले लेते थे, तो काम उस तरीके से आगे बढ़ाए और बहुत सफलता की मतलब एक स्पीड जो है इनका बहुत तेजी से रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज के डेट में जितने भी लीडर्स हम लोग देख पाते हैं, चाहे वो सब इन्हीं की टीम में आते हैं। जो भी हम लोग देखते हैं, गोरख सर, सुशीला मैडम, सब इन्हीं की टीम में आते हैं। यहाँ पे पूनम कटहरिया है, जानकी देवी है, अंबिका है, ये जितने डायमंड्स हैं सब लोग यही हमारे ओम प्रकाश सर और केश कुमारी मैडम के मेहनत की वजह से ही है। तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे, प्लीज वेलकम एसएसडी केश कुमारी मैडम एंड ओम प्रकाश चौधरी सर, आप दोनों आए और दोनों खूब जबरदस्त तरीके से अपने कहानी को नेपाली और हिंदी दोनों भाषा सिखाते हुए बताएं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। तो जब बाद में विश्वास हुआ, जब दोबारा प्रोग्राम लेकर गए लेने, तो बहुत अच्छा लगा। नेपाली में भन्छु कि जब हम दोस्रो पटक प्रोग्राम लिँदाखेरि मलाई अलि विश्वास लाग्यो, किनकि त्यहाँ अलग स्पिकर हुनुहुन्थ्यो, अलग अलग स्पिकरको आवाज सुन्दा त यस्तो लाग्छ, विश्वास लाग्छ कि सबैजनाले त झुठो बोल्दैनन्, सबै मान्छेहरू त झुठो बोल्दैनन्, सच हो मतलब सही होला भनेर विश्वास लाग्यो। अनि चियापत्ती लिएर गए घरमा, पनि धेरै समस्या ग्यास्ट्रिकको थियो मेरो मम्मीको, त ग्यास्ट्रिकको समस्या समाधान भयो, धेरै राम्रो लाग्यो मलाई, खुसी लाग्यो कि। अनि पछि फेरि थाहा पाए कि यसमा पैसा कमाउने पनि माध्यम छ, पैसा कमाउन सकिन्छ। त यसको बारेमा मैले सुनिता म्याम हुनुहुन्छ, कौशल्या म्याम, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ स्पष्ट गर्दछु, किनकि उहाँ नहुँदाखेरि म यतिको जानकारी पाउँथेन होला सायद, किनकि उहाँले नै भन्नुभयो कि यसको सिस्टमको बारेमा बताउनु भयो कि यसबाट धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ। तर मलाई यही चाहिएको थियो लाइफमा कि कहाँबाट म धेरै पैसा कमाउन सक्छु, आफ्नो जुन लाइफ छ इन्जोय गर्न सक्छु, र आफ्नो पैसाको जुन समस्या हुन्छ त्यो समस्याबाट म मुक्त हुन चाहन्थेँ। त मलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो र यसबाट यसको बारेमा बुझेर अनि काम गर्न थाले। हाम्रो अशोक सर हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि उहाँले मेरो साथमा गाउँ गाउँमा प्रोग्राम गरिदिनु भयो र धेरै मान्छेहरू जब प्रोडक्ट युज गर्न थाले त धेरै फाइदा नै भयो। र म सुरुमै धेरै मतलब थुप्रै प्रोडक्टहरू सबै जति पनि हुन्थ्यो त्यहाँ पाइयो त्यति बेला सबै प्रोडक्टको बारेमा जानकारी गराउँथे र सबै प्रोडक्ट पनि म सेल गर्थे। आज जेल भयो, हाम्रो भगवानपुर स्टाकमा बस्नुहुन्छ सञ्जय सर, त उहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो कि तपाईँ आज जेल बेच्न सक्नुहुन्छ भनेर, मैले भने बेच्न सक्छु। त म आज जेल समेत सबै कुराहरू म सेल गर्थेँ, त मलाई बहुत राम्रो लागिरहेको थियो किनकि मेरो आफ्नै
आफ्नै दिदीको धेरै समस्या भएको थियो, जस्तै गर्भवती अवस्थामा पनि उहाँको मेरो दिदी र मेरो सँगै बिहे भएको थियो, तर उहाँको पहिलो गर्भवती जब हुँदाखेरि उहाँको चेक जाँच जब भयो त थाहा भयो कि पत्थरीको समस्या छ। त उहाँलाई धेरै नै समस्या थियो किनकि पेट दुख्ने गर्थ्यो र डाक्टरले पनि भनिरहेथ्यो कि पत्थरीको समस्या छ र खुनको जुन रगतको कमी त्यो पनि देखियो, अनि पोषणहरू खानेकुराहरू धेरै खाने भनेर सल्लाह पनि गरेको थियो र भिटामिन्स थुप्रै भिटामिनहरू पनि दिएको थियो र उहाँले भन्नुभयो कि डाक्टरले कि यो समस्या यदि यस्तै नै रह्यो भने पछि डेलिभरी हुनको लागि धेरै नै समस्या हुन्छ, कठिन हुन्छ भनेर भन्यो। र मेरो दिदी आत्तेर भन्नुभयो कि यस्तो यस्तो कुरा छ, मेरो समस्या छ भनेर बहिनी। अनि मैले भने ठिक छ, टेन्सन नलिनु, मासित हाम्रो डिएक्सनमा छ यसको उपाय, टेन्सन लिन पर्दैन, यो सबैको हजुरको जति पनि समस्या छ त्यो समस्या पहिल्यै समाधान हुन्छ भनेर भने र आरजिजिएल स्पारलिना अनि चिया यति दिए र एक डब्बा एक महिना ज्यादा ज्यादै उहाँको जब युज गर्नुभयो एक महिना ज्यादा ज्यादै उहाँको समस्या खत्तम। अर्को पटक जब चेकअप गराउनु भयो त पत्थरी थिएन र पोषणमा पनि धेरै सुधार भइसकेको थियो स्वास्थ्यमा र रगतको जुन कमी थियो त्यो रगतको कमी देखिएन। धेरै खुसी लाग्यो मलाई किनकि यति ठुलो समस्या जब कि डाक्टरले पनि डराएको थियो कि यस्तो यस्तो समस्या छ भनेर, अनि हाम्रो डिएक्सनको जुन आरजिएलबाट धेरै फाइदा भयो हाम्रो ज्ञान ओर्डरमा, त हाम्रो डिएक्सनको जुन जडीबुटी छ हाम्रो किङ अफ हार ज्ञान ओर्डरमा उहाँको लागि म ताली बजाइदिन्छु। म के भन्न चाहे मतलब हम म जब अर्को पटक प्रोग्राम लिँदाखेरि जब हम दोबारा से गए जब अशोक सरका जो मेडिकल था उसमें जब गए तो हम दोबारा जब गए तो बहुत अच्छे से हम बुझे, क्योंकि उसमें जब पहली बार जब मैं गई थी प्रोग्राम लेने तो पहली बार में दूसरे स्पीकर थे और दोबारा बार और दूसरा स्पीकर, तो मुझे यही सोच में आया हमको कि अब हर कोई तो झूठ नहीं बोल सकता, अलग अलग जब लोगों को बात सुने तो बहुत अच्छा लगा, सब कोई तो झूठ नहीं बोलेगा, सब कोई तो पागल नहीं है, ऐसा ही कुछ अच्छा ही होगा ऐसा ही सोचे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बारे में जो वो फायदे के बारे में जो बताया तो मुझे अच्छा लगा कि सच में होगा, पहले देखे इसको शुरुआत करें तभी तो था पता चलेगा। तो हमारे मम्मी का जो गैस्ट्रिक के समस्या था तो वो गैस्ट्रिक के समस्या चाय से डिएक्शन डी सी यानो टी से वो खत्म हो गया। तो हम हमारे जो कौशल्य मैम है और सुनीता मैम हमारे अपलाइन में है, तो वो दोनों को लिए मैं दिल से नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि उन दोनों ने हमको बताए कि इस सिस्टम में हमारा जो पैसा आता है वो बहुत अच्छा है, इस सिस्टम से हम पैसा कमा सकते हैं, इसका बिजनेस प्लानिंग भी बताएं, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें यही चाहना था कि हमारे पास पैसा हो ऐसा सिस्टम कुछ मिले तो बहुत अच्छा लगा। और उसके पहले मैं एक जॉब करती थी तो उसमें भी हमारे जो सैलरी था 7,000 का था, जो कुछ गलतियां हो जाने पर उसमें कटौती भी हो जाता था, क्योंकि कम से एक गलती का 500 रुपये उसमें कटौती हो जाता था, दो गलती का तो 1,000 चली जा। जो टॉर्चर भी था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं सोचती थी कि पैसे कमाने के लिए इतने सारे दुख कष्ट झेलना पड़ता है, इतने से मतलब थोड़े से पैसा कमाने पर इतना ज्यादा, और अपने लिए जो खुद का हमारा हो मतलब हम जितना कर सके उतना हो ऐसा ही कोई रास्ता मिला तो सिर्फ रिएक्शन ही मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हमारे दीदी का समस्या था तो वो था कि गर्भवती अवस्था में स्टोन जो था कि टेंशन में कर दिया था, क्योंकि गर्भवती भी थे और उनको जो था पोषण में बहुत ज्यादा कमियां थी उनकी हेल्थ का, और जो खून का कमियां थी
तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज्यादा समस्या होगा डिलीवरी होने तक, तो इनको आप तो दीदी ने हमको फोन करके बताई कि ऐसे ऐसे मेरा समस्या है, तो मैं बोली कि टेंशन ले, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का और सारा समस्या खत्म हो जाएगा, हमारे पास रिएक्शन है, तो मैं रिएक्शन का आज जेल स्पारुलिना और चाय दी और वो खाने लगी। एक महीना के बाद जब चेकअप कराने गई करवाने, तो वो सारा समस्या खत्म, जो खून में जो समस्या था मतलब अच्छा से सुधार हो गया था, तो बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत खुशी लगा, क्योंकि जब पहले शुरुआती टाइम में मैं जब आज जेल भी देती थी सब चीज का बात करती थी, तो हमारे संजय सर उसी भैरव में रहते थे, वही प्रोडक्ट देते थे, तो बोलते थे आप आज जेल बेच बिल्कुल हर चीज है, कोई भी प्रोडक्ट हो हम दे देते थे, क्योंकि हमारे साथ में अशोक सर थे, बोलते थे कि हम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है और हम दें और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ दें और इसके बारे में बताएं, तो बहुत अच्छा लगा। उस समय मैं सोचती हूँ तो बहुत अच्छा लगता था, काम करते थे और एक यादगार भी था, चलाकर मतलब सोनावली में जाती थी प्रोग्राम सुनने और प्रोडक्ट लेने, तो मैं जब साइकिल चलाए रहा जान थे तब कोई मसी तो हूं थे साथ में, कोई हूं थे ना, मैं एकले जान थे कि ना कि एउटा दुईटा प्रोडक्ट को लगी मैं जान थे कि ना कि पैसा थिए ना मसी त त्यति धेरै शुरुआत में हुन्छ धेरै मान्छेहरुसित पैसा हुँदैन जान्थे, एउटा दुईटा प्रोडक्टको लागि जान्थे र दिन्थे, यस्तै गर्दा गर्दै जब मेरो बोनस आउन थाल्यो, जब 1000 पीभी बराबर आउन थाल्यो, त मलाई धेरै खुसी लाग्यो, बहुत खुसी लाग्यो कि कम से कम मेरो 1000 पीभीको जति त बोनस आयो भनेर बहुत खुसी हुन्थे म। त्यति बेला म लगभग स्टार एजेन्ट पनि निस्केको थिएन, जब ₹2500 जब आ जाता था तो ई वैलेट में, तो बहुत अच्छा लगता केश कुमार जी, बहुत अच्छा बता रही है। ₹25 भी, 2500 भी अगर रिएक्शन में आ जाता है तो 25,000 का काम करता, कितना जबरदस्त बता रहे हैं। लेकिन नेट इश्यू के कारण उनका आवाज कट कट के आ रहा है। हाँ आ गया है, आ गया है, आइए वेलकम केश कुमार। कंटिन्यू करें। तब मैं साइकिल में जान थे आउँथे, त्यति बेला जब मेरो ₹2500 बोनस आयो तो मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो, किनकि त्यसबाट म पीभी गर्न सक्थेँ, इभलेटमा आउँथ्यो र पीभी गर्न सक्छ, 1000 पीभी कम से कम हुन्थ्यो, त धेरै नै खुसी लाग्थ्यो, किनकि त्यति बेला म स्टार एजेन्ट पनि हुन सकेको थिएन, र त्यसबाट फेरि म सामान सेलिङ जब गर्थेँ तब पैसा आउन थाल्यो, तब धेरै मसित कमसे कम प्रोडक्टको लागि धेरै प्रोडक्ट भयो, म ब्याकअप राख्न थाले, र त्यति बेला म एउटा किसिजेटियो स्कुलमा कलेजमा म एडमिसन गरेँ र पढिरहेको थिएँ त्यति बेला, त म पढ्दा पढ्दै पनि आफ्नो जति पनि साथी हुन्थ्यो सबैले म बताउँथेँ, सबले बताउँथेँ र कसै कसैलाई प्रोडक्ट पनि युज गराएको थिएँ, र त्यति बेलामा सबैलाई बताउँथेँ, र त्यति बेला लगभग 5-6 महिना जाँदा जाँदै म स्टार एजेन्ट निस्केर स्टार
रुबी मतलब तुरंत भए त मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो त्यति बेला हाम्रो प्रकाश सर एउटा जब गर्नुहुन्थ्यो जुन लाइसेन्स बनाउने काम त उहाँको जबबाट 10,000 कमसेकम आउँथ्यो त मेरो जब स्टार रुबी भए त्यति बेला मेरो जुन 12,500 कम्पनीको तर्फबाट जुन बोनस थियो त्यो पनि आयो र अर्को बोनस आयो लगभग 24,500 बोनस आयो त धेरै नै खुसी भएमा धेरै नै खुसी भएर त्यति बेला मेरो जब ओजेटी थियो त मेरो कराही भलवाडीमा परेको थियो र म भलवाडीमा बस्दाखेरि त्यहाँका कर्मचारीहरूसित पनि कुरा गर्दै गए र उहाँको जब कर्मचारी पनि जब युज गर्न थाले त धेरै नै फाइदा थियो किनकि उहाँको म जति एउटा सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ जति बेला पनि आउनुहुन्थ्यो उहाँको खुट्टामा एउटा घाउ थियो त घाउमा 3-4 पटक देखे सन्चो भाउ हुन सकेको थिएन म फेरि सोधे किन यो घाउमा जति बेला पनि देख्छु यो घाउ नै देख्छु हजुरको त उहाँले भन्नुभयो कि मेरो सुगर छ त्यही भएर यो घाउ सन्चो हुन सकेको छैन मैले भने मासित पेस्ट छ डिएक्सनको पेस्ट यो पेस्ट लगाउनुहुन्छ भने यो घाउ सन्चो हुन्छ अनि उहाँले लिनुभयो मेरो कुरोको विश्वास गरेर लिनुभयो र उहाँको घाउ एकदमै राम्रोसित सन्चो भयो र त्यही क्रममा हाम्रो जगदीश सर भेटाउनु भयो र उहाँलाई म बताएर उहाँ जोइनिङ हुनुभयो र जोइनिङ हुँदाखेरि अब उहाँ लगभग 3-4 वर्ष भइसक्यो अब उहाँ एकदमै राम्रोसित काम गर्न सुरु गर्नुभयो र 20,000 आयोसी पनि लिनुभयो यति बेला म पहिला पनि म उहाँसित लगभग म कन्ट्याक्ट गरिरहेको थिएँ र भेटघाट गरिरहेको थिएँ र 4 वर्षपछि उहाँ जाग्नुभयो र यति राम्रोसित काम गरिराख्नु भएको छ मलाई धेरै नै खुसी लाग्छ कि पहिलाको फल अहिले मिलिरहेछ त धेरै नै राम्रो हो तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब हम जब जाते थे साइकिल से आते थे तो बहुत ही तकलीफ दुख लगता था कि घाम धूप बरसात भी सहना पड़ता था और कुछ तकलीफें सहने पड़ती थी लेकिन कब वो सब यादगार रह गया क्योंकि जब हम तकलीफ है और हम नहीं सहेंगे तब तक कोई चीज का जो मजा है यादगार वो नहीं रहता है तो बहुत अच्छा लगता है और जब हम किसी जगह हम पढ़ रहे थे तो जितने भी हमारे साथ में जितने भी फ्रेंड थे सभी लोगों को मैं बताए और अपने टीचर को भी बताए मैं अपने टीचर को 4 पेस्ट दिए थे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपने पहले एक लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया उनके दांत में समस्या था और फिर दूसरा बार 3 पेस्ट लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे टीचर हैं तो उनके मैं बता रहा हूँ वो हमसे मतलब प्रोडक्ट ले रहे हैं हमारे बात को समझ रहे हैं हमारे बात को मतलब अच्छा मान रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में इतना पावर है कि हम किसी से झिझकने का नहीं हम किसी से डरने का नहीं हम सब कुछ बताएं जितने भी इसके फायदे हैं सब कुछ बताएं सबके लिए है और हम सभी को भी बता सकते हैं तो बहुत अच्छा लगा और जब ओजेटी हुआ हमारे प्रैक्टिकल तो हमारे भलवाड़ी में हुआ तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे हम गए तो बहुत लोगों से बातचीत हुआ मुलाकात हुआ उसी टाइम में हमारे जगदीश सर को से मुलाकात हुआ और उनको मैं ज्वाइनिंग की तो वो शुरुआत में उनको भी बहुत महंगा लगा प्रोडक्ट भी यूज किए तो तब पर भी उनके लिए बहुत महंगा लगा क्योंकि वो बात करते थे जब पहले तो उनको बोलते थे कि इतना महंगा है तो वो भी नेगेटिव हो गए थे और क्योंकि वो क्यों नेगेटिव हो गए थे तो वो प्रोग्राम नहीं लेते थे मैं बोलती थी आने का तो नहीं आते थे प्रोग्राम नहीं लेते थे तो वो नेगेटिव हो जाते हैं तो इसलिए वो नहीं काम कर रहे थे लेकिन ज्वाइनिंग तो हुए थे अपने बेटी को भी कराए थे तो बहुत अच्छा बात है और एक सर आते थे तो उनके पैरों में घाव था एक तो घाव ठीक नहीं होता था कभी भी मैं 3-4 बार देखा उसी तरह था घाव तो मैं पूछा कि ये क्यों मैं जब भी देखती हूँ तब वैसे की वैसे ही घाव आपका रहता है
तो उन्होंने कहा कि मेरा शुगर का समस्या है, इसीलिए हमारा जो घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो पेस्ट है ज्ञानीजीत पेस्ट हमारे डीएक्शन कंपनी का है और बहुत अच्छा है, नंबर वन प्रोडक्ट है। तो मैंने इसके फायदे के बारे में बताई तो वो उन्होंने जब पेस्ट लिए और लगाना शुरू किए तो उनका जो घाव था बहुत अच्छे से ठीक हो गया, भर गया, तो बहुत अच्छा लगा। और वही जो उसी दौरान में जो जगदीश सर मिले थे, उसी संस्था का कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो वो अब जाकर उन्होंने जाकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि 4 वर्ष पहले जो नेगेटिव होकर कहीं भी नहीं जाते थे और प्रोग्राम नहीं लेते थे, क्योंकि प्रोग्राम ही नहीं लेते थे तो वो काम कैसे करेंगे, तो प्रोग्राम नहीं लेते थे और हम टाइम टू टाइम हम भेंट घाट करते थे, फॉलो अप करते थे, लेकिन इस बार अब जाके उन्होंने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना पीवी बना रहे हैं और जो है कि आईओसी भी ले चुके हैं 20,000 का। तो बहुत अच्छा लगा कि पहले का जो हम बता रहे थे हम टूटे नहीं, मतलब हम कभी ऐसा नहीं सोचा कि लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं तो हम क्यों बताएं बार बार। लोग ऐसे ही सोचते हैं, जो नए लोग होते हैं कि हम जिसको भी बता रहे हैं वो नहीं सुन रहा है, विश्वास नहीं कर रहा तो मैं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और गांव में जब जाते हैं गांव के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो हम बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही बात करती है कि हमारे गांव का तो कोई नहीं सुन रहा है, सब कोई बोलता है कि महंगा है और मतलब उल्टा पुल्टा बातें करते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे, किसको जाएं बताएं। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि मैं भी वही जगदीश सर का बताया था पहले 4 साल पहले, वो भी नहीं काम किए थे, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था लेकिन सब तो नहीं कर रहे, लेकिन 4 साल के बाद जो है हीरा निकले हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो फ्रंट लाइन में है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही सबको बताना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि हर आदमी को जो है दिमाग वो चलता रहता है बदलता रहता है, तो कभी कभी तो उसको भी बदलाव आ जाएगा तो हमारा भी फायदा होगा, क्योंकि हम बताएंगे जितने को देखते हैं कि इतना हो गया है, इतना अच्छा से वो रह रहा है, इतने लोग हैं जो हम देखते हैं तो वो उतने ही मेहनत करते हैं, उतने ही ज्यादा मेहनत करते हैं, उतने ही ज्यादा तकलीफ करते हैं, तो ऐसे ही सभी को करना है, बहुत अच्छा लगता है। और जब हम एकले जा गई रात है, जब हम एकले जान थे लगभग माँ एक चोटी सुनौली स्टेप में साझा तीर मैं स्कूल बट छुट्टी भर मए कलेज बट साझा भाग तैं जाम पनी थी ते बेला हम में मतलब के को बंदी थी तर फर्किने बेला इत बट बस बट गए भलवाड़ी देखी बस में गए स्टक में उता फर्किने बेला में के भो कि अब बस चलेना कसरी जाने वाने फेरी तैं ऑटो रिक्शा हो पे चलते हमी दुईजना थी एकजना अरु थी तो आयो रात में भलवाड़ी आए ते बेला मतलब अल साझा भैसको थी अध्यारो भैसको थी रहाँ आऊदा आऊद जब हम एटा रोहिणी है एटा नदी तिनाऊ नदी तो तिनाऊ नदी को जो पुल पे पुल थे बसदा खेल पुल थे तो पुल चाह पक्षी बने को हो तो बहुत डर लगी रहो क्योंकि घर पानी हुए पैला आजकल तो बनी सकते रहासम आना को लगी भड़वाली देखी अब तैंसम आना को लगी अर्को अब ऑटो रिक्शा तो आऊदन रे तस्त कुरा गये रर्को लाए अर्को दुई तीन जना थे हमी ते बेला वहां को फिर फेरी बीच में तो ऑटो रिक्शा जो थी फिर बीच में खराब भो मतलब तेको जो टायर थी तो खराब भो आना सकें फिर तैंट म हिड़े आए रात भैसको थे ये डर लगी थे तैपनी मतलब डर लगी थी मतलब भगवान को नाम लिदा 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 लिद तो तिनाऊ जो नदी थी तो पार करें रसैसित यो कुरा बताए न बहुत डराने मं हो मतलब अंधारो बट बहुत डरा तर समय में तो बेला में तैंट म गए
र पछि म सोचे म मतलब एकदम खतरा जुन बाटो छ त्यो बाटो पार गरे सोच्छु र पहिलामा कसैसित जान्थे एक्लै पनि जान्थेन कहीँ पनि जान्थेन र मलाई बहुत यादगार छ त्यो ठाउँ र त्यहाँ लासहरू पनि जलाउने गर्छन् त्यो ठाउँमा त मलाई बहुत डर लागिरहेको थियो तर कसरी कसरी गए र यही हो कि हामी जब हिँड्छौँ जब हाम्रो लक्ष्य हुन्छ म त्यहाँ जान्छु जान्छु त पक्कै पनि हामी जान सकिन्छ त्यहाँ जब पहिले हामी डराउँछौँ यस्तो छ अनाथ कुराहरू थुप्रै कुराहरू लिएर हामी जब सोचेर बस्छौँ भने त्यहीँको त्यहीँ हुन्छौँ जहाँ पनि जुन ठाउँमा पनि हो चाहे बिजनेसमा हो चाहे कुनै बाटो हो हरेक ठाउँमा पनि यस्तै हामी पोजिटिभ भएर यदि हामी जुन कदम छ अगाडि बढाउँदै जान्छौँ भने हामी पार गरिहाल्छौँ त त्यो कुरा हो हाम्रो एउटा भरिवरामा कसैसित आफ्नो डाउनलाइनसित र अपलाइनसित कसैसित त्यो कुरा भनेन किनकि मान्छेहरूको सोच हुन्छ कि यतिको मेहनत हुन्छ यतिको अप्ठ्यारो हुन्छ यतिको दुःख हुन्छ भनेर नेगेटिभ लिन्छन् भनेर म कसैसित भनेन कसैसित पनि भनेन र आज म भन्दैछु र पहिला पनि म आफ्नो हस्बेन्डसित सेयर गरेको थिएँ र कहिले पनि बताएको थिएन र त्यो कुरा भयो र म त्यति बेला नै सोचिरहेको थिएँ कि मेरो साथमा केही साधन भएको भए मेरो यस्तो समस्या हुन्थेन होला